पर हमारे भी ऐसे परिवार में थे कई लोग ऐसे तो जो नशों से बाहर निकल के आए हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लगातार दिखाते हैं हम जनता की आवाज़, जानते हैं जनता का कैसा अनुभव है। डेरा सच्चा सौदा संस्था वैसेन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के लिए नमस्कार। मैम आपका शुभ नाम? हाँ जी परमजीत कौर। परमजीत जी कहाँ से आए हो आप? राजस्थान से। राजस्थान? हाँ जी, श्री गंगानगर जिले से। मैम आज भी आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में पहुँचे, कितनी आस्था कितना विश्वास? बहुत विश्वास है मैम। क्या क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कर रहे? MA BEd हूँ मैं, टीचर की तैयारी कर रही हूँ अभी, फर्स्ट ग्रेड की। एजुकेटेड हो फिर भी आप आश्रम में आ रहे हो, यहाँ के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया था, क्या मानना है आपका? जो भी दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है और हमें इतना दृढ़ विश्वास है। और हम, मेरे पति रहे फौज में है, जब भी वो यहाँ आते हैं ना तो हम जरूर आते हैं। मैम जो संत जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहोगे? वो सब झूठ है, कोई भी उसमें सच्चाई तो है ही नहीं। मैम फिर सच क्या है, संत जी ने क्या किया, क्या है लोगों के लिए, समाज के लिए? समाज के लिए तो बहुत कुछ किया है, जो भी हमें बुराइयां सुनाई है, नशे वगैरह से दूर रखा है लोगों को। अच्छाई जैसे बहुत नशे कर रहे हैं ना लोग, उनको सुना के, और हमारे भी जैसे परिवार में थे कई लोग ऐसे तो जो नशों से बाहर निकल के आए हैं। ज़रूरत है संत जी की समाज? हाँ जी बहुत ज़रूरत है। की मांग करोगे सरकार? तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी हमारे पास हो और हमें दे रूप में हमारे बीच में आए और हमें दर्शन दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसको साथ लेके आई हूँ और मैं तो यही सोचती हूँ कि वो भी थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं यहीं छोड़ जाऊँ उसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हो कि किस तरीके से जनता का विश्वास है और इनका कहना है कि खुद भी काफ़ी समय से आ रही हैं, कभी ऐसा नहीं देखा जैसा मीडिया में दिखाया गया। सोचिएगा जरूर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। फिर आखिर क्यों यहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया, फिर आखिर क्यों एक संत, एक समाज सुधारक जिनके बारे में जनता बोल रही है कि उन्होंने इन लोगों का नशा छुड़वाया, लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, उनको क्यों इस तरीके से बदनाम किया गया? सोचिएगा जरूर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।